सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। तुहाडा मेरे चैनल मनदीप कुकिंग विच स्वागत है। अज असीं बनाउण जा रहे हां बची हुई रोटी दा टेस्टी नाश्ता। इस तों पहलां प्लीज़ मेरे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस दे लई चाहिदा है रात दी बची हुई 3 रोटियां सीगियां मेरे तों, तो हुण असीं इहनूं एक बॉल विच तोड़ांगे। असीं इस तरह तोड़ांगे इहनां नूं। हुण असीं पानी दे नाल चंगी तरह गिला करांगे। हुण असीं थोड़े टाइम लई इहनूं ढक के रखांगे। हुण असीं चैक करांगे रोटी साडी फुल गई। हुण असीं इहदे विच वैजीटेबल पावांगे, शिमला मिर्च, गाजर ते प्याज। तुसीं इहदे विच पत्ता गोभी भी पा सकदे हो, मटर भी पा सकते हैं, अदरक लहसुन भी पा सकते हैं। हुण असीं इहदे विच हरी मिर्च पावांगे। नमक पावांगे। मसाला पावांगे। ते थोड़ा जिहा जीरा। जे तुसीं ज़्यादा तिखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हुण असीं इहनूं मिक्स करांगे। असीं हुण रोटी विच सब मिक्स कर लिए वैजीटेबल्स, तो हुण असीं छोटे छोटे इस तरह गोल राउंड शेप देवांगे। इस तरह असीं सारे तैयार करके रखांगे। इस तरह तुसीं कोई भी शेप दे सकते हो। असीं तैयार कर ले, हुण असीं इन्हां नूं फ्राई करांगे। हुण असीं फ्राई करांगे। एक कढ़ाई विच असीं ऑयल पा के गर्म होण लई रख दित्ता। ऑयल साडा गर्म हो गया। हुण असीं तैयार किए हुए लड्डू की शेप विच हुण असीं विच पावांगे। बहुत ही खाने विच टेस्टी हुंदे आ, तुसीं प्लीज़ जरूर ट्राई करो। ਸਾਡੇ
तैयार हो गए। हुण असीं इन्हां नूं प्लेट विच कढ़ांगे। बची हुई रोटी का टेस्टी नाश्ता बन के तैयार है। जे तुहानूं मेरी वीडियो चंगी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक शेयर कमेंट तो मेरे चैनल नूं प्लीज़ जरूर सबसक्राइब करो। धन्यवाद।